मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं एमपी में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 6 जिलों में 64 से 204 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे निपटने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी हैं। पिछले 24 घंटे में झालावाड़, बारां, टोंक, कोटा और बूंदी के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि आगामी 24 घंटों के दौरान भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। और विस्तार से जानकारी लेंगे इसी खबर पर। एवन संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ऋषभ, विस्तार से हमें बारिश को लेकर क्या कुछ अनुमान जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की ओर से, वो बताएं। और ये भी बताएं कि खासकर राजस्थान में वो कौन कौन से एरियाज होंगे जहां पर अलर्ट पर रहने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते करीब 1 महीने से जब मानसून पूरी तरह से एक्टिव हुआ है, तो उसके बाद देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जो भारी बारिश की तगड़ी मार झेल रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो उसको अभी भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में आगामी 5 दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बताऊं कि जो कम दबाव का क्षेत्र है उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में बरकरार है, और मानसूनी जो ट्रफ रेखा है वो गंगानगर, नारनौल, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनाते हुए केंद्र जो वहां से है गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन इलाकों में जो झमाझम बारिश का दौर है वो आगामी 5 दिनों के लिए जारी किया गया है, और इसमें कई ऐसे इलाके रहेंगे। इसके साथ साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कुछ इलाके हैं जहां पर झमाझम बारिश की दौर आगामी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। क्योंकि देखिए बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जाता रहा है और तगड़ी मार भी झेल रहे हैं। उसके साथ साथ यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन जिलों में भी लगातार बारिश देखी जा रही है। 10 अगस्त तक अगर बात करें तो यूपी, पंजाब और हरियाणा में अधिक बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है, और कई ऐसे अलग अलग इलाके रहेंगे जहां पर जो बारिश है उसी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब अगर बात अगर राजस्थान की करी जाए तो राजस्थान में बीते करीब 8 दिन जो मूसलाधार बारिश रही है उसके चलते जो बारिश का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। अगर बात करें तो करीब 13% अधिक बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है, और यही स्थिति की अगर बात करें तो अब राजस्थान के लोगों को बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की अगर मानी जाए तो 7 अगस्त से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कम हो जाएगी, लेकिन 20 अगस्त से इन गतिविधियों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है कि 20 अगस्त के बाद एक बार फिर से तेज बारिश का दौर जारी होगा। और राजस्थान के तमाम जो इलाके हैं कि जो अभी आगामी दिनों को लेकर बात करी जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 1-2 दिन अभी बारिश हल्की फुल्की देखी जाएगी। पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं वहां पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन राजस्थान में जो बारिश का कोटा है वो लगभग पूरा देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए 13% अधिक बारिश हो चुकी है। 231.2 मिलीमीटर सामान्य बारिश है और 207.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, और पूर्वी राजस्थान में करीब 23 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, और पूर्वी राजस्थान में ओवरऑल की बात करें तो 4% अधिक बारिश है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश देखी जा रही है, जैसे बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और गंगानगर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे बारिश कम हुई है इस बार, जबकि इनमें से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक बारिश दर्ज की जाती रही है बीते सालों में। लेकिन इस बार जिस तरह से मानसून राजस्थान में प्रवेश किया है और उसके बाद जिस तरह से टूट कर बरसा है, क्योंकि राजस्थान के कई ऐसे जिले थे जहां पर बारिश कम देखी जाती, तो इस बार वहां पर उल्टा हुआ है, ज्यादा बारिश देखी गई। लेकिन आगामी दिनों को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। पूरे राजस्थान के कई इलाके हैं जहां पर 48 घंटों के लिए अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद 7 तारीख से राजस्थान में जरूर मानसून थोड़ा सा कम होगा और उसका असर कम देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि मौसम विभाग ने 7 अगस्त
से लेकर 19 अगस्त तक के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया है, जिसमें बारिश की जो स्थितियां है वो कम होने की है, लेकिन 20 अगस्त से एक बार पुनः जो द्वितीय सप्ताह है उसके दौरान बारिश में फिर से बढ़ोतरी होगी और लोगों को फिर से एक बार राहत जरूर मिलेगी। जी ऋषभ, और ये भी बताएं कि अगर बात की जाए बीसलपुर डैम की, तो पानी की कितनी आवक वहां हो चुकी है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर वहीं से जलापूर्ति होती है, तो अब तक की बारिश के हिसाब से क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है अब बीसलपुर में पानी की आवक को लेकर? देखिए, अगर बात करी जाए तो कई ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान में होकर गुजरती हैं और उसमें लगातार पानी बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए आवक लगातार जारी है, भीषण बारिश चल रही है और यही कारण है कि कोटा बैराज हो चाहे जो बीसलपुर बांध हो, सभी में आवक हो रही है। क्योंकि अगर बात करें तो जो चंबल की नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कोटा बैराज की बात करें तो वहां पर 8 गेट बंद है और चंबल का जो जल स्तर है वो 143.70 पर आ गया है, खतरे के निशान से अभी भी 13 मीटर ऊपर है। करीब 100 ऐसे गांव हैं जो खतरे के निशान पे चल रहे हैं। तो और इसके साथ साथ अगर बीसलपुर बांध की बात करें तो बीसलपुर में लगातार पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि जिस कई ऐसे जो गाँव है उसमें जो दिक्कत है वो बड़ी की दिक्कत। बीते 48 घंटों की बात करें तो करीब 82 सेंटीमीटर की आवक हुई है बीसलपुर में और इस वक्त जो जल स्तर है वो 310.50 आरएल मीटर पर पहुंच चुका है और 30 जुलाई को जो बांध का लेवल था वो 309.38 जो आरएल मीटर था। तो कहीं ना कहीं लगातार जल स्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है और जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है तो भीलवाड़ा राजसमंद टोंक में अच्छी बारिश हुई है और आवक लगातार जारी है, जिसके चलते 5 दिन में करीब 1.20 आरएल मीटर पानी आया है। फिलहाल क्षमता के मुकाबले 30% अधिक पानी बताया जा रहा है, तो इससे जयपुर टोंक और अजमेर को 3 महीने तक की पेयजल जो सप्लाई है वो हो सकती है, क्योंकि राजधानी में देखिए 8.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और बीते दिन की आपको बता रहा हूँ कि 8.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और आगामी दिनों की बात करें तो 19 अगस्त तक अभी बारिश नहीं होनी है, लेकिन इतना पानी आ गया है कि जो 50% जो मानसून अभी बचा हुआ है, कि अगस्त सितंबर का महीना है, अगस्त अभी शुरू हुआ है और सितंबर का महीना बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर अभी 310.50 पहुंच गया है तो आने वाले दिनों की बारिश के बाद भी जलस्तर बढ़ेगा और जिसके चलते जो जयपुर टोंक और अजमेर 3 महीने की जो बात कही जा रही है कि पेयजल सप्लाई हो सकती है तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता ऋषभ पांडे, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे इस खबर पर अपडेट के लिए।